जहाँ तक सवाल है सतपाल राठी का और नीना राठी जी का और इस परिवार का, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये निष्ठावान पार्टी के सिपाही हैं और निष्ठा से इन्होंने काम किया है। केवल पार्टी पार्टी के नहीं भाई, व्यक्तिगत तौर पे मेरे भी ये बहुत अजीज और निष्ठावान हुए हैं साथी हैं। तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो कहने की जरूरत नहीं, यही कह ऐसे साथी हो, 10 साथी भी हो ना तो हरियाणा में मार नहीं खा सकते तुम। अरे वो एक बात कह रहा हूं तो ये है। तो भाई जहां तक सवाल है इनका, देखो ये तो चुनाव है और इनका हक भी था, सब अपना हक भी मांगते हैं, मांगना भी चाहिए। एक परिवार होता है, परिवार में सब अपना अपना हक मांगते हैं। कोई एक चीज होती है तो वो एक बातें तो एक का आती है ना, लेकिन परिवार को तो एक रहना पड़ता है। अब कई मान लो टिकटारती थे, ये इनकी भी थी, इनका भी हक बनता था, मांगा टिकट राजेंद्र सिंह को मिली, तो अब परिवार को एक होकर उसको कामयाब करना है। और कामयाब करके जहां तक मेरा सवाल है और इनका सवाल है सतपाल का और नीना का, भाई मैं तो एक ही बात कह सकता हूं, मेरी सरकार बने या जिस भी स्थिति में रहूं, जो इनका मान सम्मान विधायक से कम नहीं होगा कहीं में। बहुत इन्होंने किया है और बहुत मेहनत करी है दोनों ने पार्टी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बात की मैं इनकी प्रशंसा करता हूं और सतपाल चिंता करने की बात नहीं भाई, विधायक से कम नहीं रखूंगा तेरे को। बाकी बात अब चुनाव है, मैं पूरे हरियाणा में तकरीबन घूमे आया, हवा आपके पक्ष में चल चुकी है। 36 बरादरी, मैं कल नारायणगढ़ से शुरू हुआ था, नारायणगढ़ लाडवा राधौर पेवा होते हुए रात को दिल्ली पहुंचा और अब मैं जा रहा हूं राई और बड़ौदा, इधर उधर साइड में जा रहा हूं। बल्कि इस टाइम मेरे को वहां पहुंच जाना चाहिए था, चुनाव का समय है, बहुत अच्छा माहौल बनता जा रहा है, 5-7 दिन और हैं। तो अब जो है पूरी तरह से यहां पे भी आप, मेरे को पूरा भरोसा है कि भादरगढ़ का भी आप मिलकर इसको नैया को पार करेंगे, क्योंकि बातें ज्यादा लंबी नहीं करता मैं, लेकिन अब के जो बात हमने कही है, जो इस 5 साल में तकलीफ हुई है इस प्रदेश के किसान को, गरीब आदमी को, मजदूर को, ये देखते हुए हमने फैसला किया है भाई हमारी सरकार आएगी तो किसान का और गरीब आदमी का, भूमिहीन उनका कर्जा माफ करेंगे। पहले बिल्कुल कर्जवान कर दिए, ये बुजुर्ग बैठे भाई, इनकी पेंशन जो है ना, ये 5 साल पहले कहा कुछ, इन्हें कोई वादा पूरा नहीं किया, इन्हें कहा कुछ था और किया कुछ। हमने तो 1500 करी थी, 100 से चढ़ा 1500 तक करी थी हमने, इन्हें उठ करके 1000 कर दिया, फिर 200-200 बढ़ाना के हर साल 200-200 मजाक किया। और बैंक में से लाओ, बीमार हो बूढ़ा तो खाट समेत बैंक में जाओ। तो ये तो ये भी बदलेंगे हम, एक तो खाट पे पेंशन पहुंचाएंगे और जो इन्हें 200-200 करके बकरी के मींगड़ से करे ना, इसका कोई मतलब नहीं। सीधा बूढ़े के भी और बुढ़िया के भी 5100 रुपए करेंगे पहले दिन से। और ये महिलाएं बैठी हैं खास तौर पे गरीब परिवार से, बीपीएल से, जो चूल्हा चौकी का काम करती हैं, इनको बड़ी भारी तकलीफ है, हर चीज के लिए छोटे छोटे इंतजार करना पड़ता है। तो इनके अकाउंट खुलवा के जो महिला चूल्हा चौकी का काम करती है बीपीएल की, तो चूल्हा खर्च के नाम से 2000 रुपए महीना सीधा महिला को देंगे। और जो दलित हैं उनके बच्चों का भाई, इनने उसका स्कॉलरशिप हमने शुरू कराया था, उसका पहली जमात से दाखिल होगा, पहली से 10वीं तक 12,000 और 10वीं से 12वीं तक 15,000 रुपए साल का उनको देंगे। इस प्रकार से हैं, बहुत बारी घोषणा पत्र बता देंगे, मैं तो मोटी मोटी बात कही है कि पूरी तरक्की करेंगे, जीएसटी का सरलीकरण करेंगे, हमारे व्यापारी भी तंग हैं, कर्मचारी भी तंग हैं, कर्मचारियों को पंजाब का वेतनमान और पुरानी पेंशन लागू करेंगे। इस प्रकार से हर वर्ग के लिए हमने कल घोषणा पत्र जारी किया था परसों, तो आपसे उम्मीद है वो पढ़ेंगे।
सतपाल के यहाँ कॉपी आ जाएगी, सब पढ़ेंगे और घर घर तक उसको पहुंचाएंगे, ताकि एक अच्छा हरियाणा जो नंबर एक हरियाणा छोड़ा था हमने प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति निवेश में, आज वो तो पिछड़ गया, नंबर एक हो गया अपराध में और बेरोजगारी में। आपने भादरगढ़ का देख लो काम, जहां मैं छोड़ गया था वही है। कुछ होया भाई भादरगढ़ में 5 साल में? वैसे मैं कह रहा हूँ जहां छोड़ गए थे वही है। अगर प्रगति करना है तो भाई अब तो ये सबसे यही निवेदन है, देख मैं उन नेताओं में तो है नहीं हूं नहीं, अब पहला आया करते नोट झोली में ले जाया करते, मैं तो भाई वोट झोली लेने में, वोट की झोली मांगने आया हूं, सब मिलकर मेरी वोटा की झोली भर दो और यहां से एमएलए बनाओ। आप जो राजेंद्र जून को वोट देंगे समझ ले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने वोट दिया। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सभी वर्करों की तरफ से गदा भेंट की जा रही है, ताकि ये लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सके, तोड़नी है। Thank you.